बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। गोपालगंज उपचुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता की हार हो गई, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व दिवंगत मंत्री सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी की जीत हुई। वहीं इस हार पर लालू यादव की पार्टी के विधायक हरिशंकर यादव का बड़ा बयान सामने आया है। शनिवार को उन्होंने कहा कि शाहबुद्दीन की पत्नी और उनके पुत्र ओसामा शाह के कारण आरजेडी को यहां से हार मिली। आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव ने कहा कि गोपालगंज में एक पंचायत उनके जिम्मा था, सभी लोग के साथ घुमा, लेकिन ओसामा और हिना शाह को कमी देखने को मिली। हरिशंकर यादव ने कहा कि मंत्री जी से मेरी कहा सुनी हो गई कि मैडम और ओसामा नहीं आएंगे तो हम गोपालगंज चुनाव हार जाएंगे। गोपालगंज से आरजेडी की हार क्यों हुई, इसके बारे में जिक्र करते हुए विधायक हरिशंकर यादव ने कहा कि अगर ओसामा साहब या हिना साहब गोपालगंज जाकर एक बार बोल देते कि आरजेडी को वोट दे दीजिए तो 25,000 से भी ज्यादा वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिलता और उसका प्रत्याशी चुनाव जीत जाता। हिना साहब और ओसामा के नहीं पूछने के कारण आरजेडी की हार हुई है। गौरतलब है कि गोपालगंज उपचुनाव में पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब ने दूरी बनाकर रखी थी। आपके शरीर की खूबसूरती आपके सर के बाल होते हैं, और आपके बाल झड़ रहे हैं या आप गंजे हैं तो सिवान में मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक और संडे को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक तेथली बाजार पर डॉक्टर फिरोज आलम से मिलें, पूरे विश्वास के साथ इलाज करवाएं और पहले की तरह वापस बाल पाएं।